मैं भाग्यश्री ढोंगे वीकेबी न्यूज की दोपहर की खबरों में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यवतमाल में कर्ज से परेशान किसान ने की आत्महत्या, प्रशासन से संबंधित परिवार की तत्काल मदद करने की जा रही है मांग। चंदन की लकड़ियां चोरी करने वाले आरोपियों का नागपुर पुलिस ने किया पर्दाफाश, कुल 1,15,000 रुपए की चंदन की लकड़ी की जब्त। और कलमेश्वर जिले में एक सरपंच के पति ने ग्राम पंचायत सदस्य को पीटा, सरपंच के पति को काम में दखल देना पड़ा भारी। विस्तार से। कर्ज से तंग आकर किसान ने आत्महत्या कर ली। यह घटना महागांव तालुका के मोदी में हुई। 45 वर्षीय उदल गणपत चौहान ऐसा मृतक किसान का नाम है, जिन्होंने जिले में आर्थिक तंगी और अवसाद के कारण खेत में जाकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। यह मांग की जा रही है कि प्रशासन इस पर संज्ञान ले और संबंधित परिवार की तत्काल मदद करे। इस घटना से महागांव तालुका में हड़कंप मच गया है। महज 2.5 घंटे की बारिश के बाद नागपुर शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। इन्हीं में से एक नरेंद्रनगर इलाके में अंडरपास। नरेंद्रनगर अंडरपास में 2 घंटे की बारिश के बाद दोनों तरफ पानी जमा हो गया। पुलिस ने एहतियात के तौर पर दोनों तरफ का ट्रैफिक रोक दिया। अंडरपास के बीच में पानी का स्तर कमर से ऊपर के स्तर तक पहुंच गया है, जिससे शुरू में बाहर निकलने की कोशिश कर रहे वाहन चालकों को परेशानी हुई। कई बाइक रास्ता पार करते समय बंद पड़ गई, जबकि अंडरपास के बाई ओर के बीच में एक ट्रक भी फंसा हुआ है। पुलिस ने चूंकि दोनों तरफ से ट्रैफिक रोक दिया है, ऐसे में छत्रपति चौक से शताब्दी चौक और मानेवाड़ा चौक जाने वाले वाहन चालकों को घूम के जाना पड़ रहा है। नागपुर में एक नाबालिग साथी की मदद से नागपुर शहर के विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्रों से दुपहिया गाड़ी चुराने वाले एक शातिर चोर को उसके नाबालिग साथी सहित क्राइम ब्रांच यूनिट 5 ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और पिछले 1 साल से शहर से दुपहिया गाड़ियों को चुरा कर उनका नंबर बदल कर छत्तीसगढ़ में बेचने की फिराक में था। आरोपी कार्तिक राम शाहू के पास से पुलिस ने 10 दुपहिया बरामद की है, ऐसी जानकारी पुलिस ने दी है। पूरी घटना से आए कि जरीपटका पुलिस थाने इतने 604/2021 हा मोटरसायकल चोरीचा गुन्हा दाखल आहे। त्याच्या समांतर तपास आमच्या युनिट 5 क्राईम ब्रांच करत होतं। तर त्या गुन्ह्यात एक गुप्त बातमी अशी भेटली की त्या गुन्ह्यातली जी गाडी चोरीला गेलेली आहे, तर तो आरोपी डिप्टी सिग्नलजवळ आहे। तर आमचे एपीआय मुलाने आणि टीम तिकडे गेली, तर बातमीची खात्री केली आणि त्याला ताब्यात घेतलं। तर विश्वासात घेऊन विचारपूस केली तर त्या एका दर्ग्याजवळ त्याने ती गाडी ठेवलेली आहे असं सांगितलं। तर आपली टीम तिकडे गेली तर आश्चर्यचकित करण्याची गोष्ट होती, 10 गाड्या लावलेल्या होत्या तिथं आणि त्याला विचारपूस केली तर ह्या गाड्या इथं कसं काय, तर त्याने विक्रीसाठी ठेवलेल्या आहेत। एक 17 वर्षाचा विद्धी संघर्ष बालक आहे, तो त्या गाड्या चोरून आणायचा आणि याला 5,000 म्हणजे एक गाडी विकायचं, अशा 10 गाड्या आपण रिकवर केलेल्या आहेत। आणि 10 गाड्यांचं एक यशोधरा नगर, कपिल नगर, जरीपटका, नंदनवन, वाडी, कपिल नगर, एक भंडारा आणि एक बुट्टीबोरी, म्हणजे असं एकूण 10 गाड्या त्याने चोरलेल्या आहेत। 10 आपण गुन्हे उघडकीस आणलेले आहे। कार्तिक चुवाराम सालू हा छत्तीसगडचा रहिवासी आहे, पण तो आता सध्या भाडेकरू म्हणून इकडे डिप्टी सिग्नलकडे राहतो आणि याच्यातला जो विधी संघर्ष बालक आहे याची त्याची तिथं ओळख झाली। तर विधी संघर्ष बालक याचे घरची परिस्थिती थोडी नाजूक असल्याने तर पैशांची आवश्यकता आहे म्हणून गाडी चोरून यांचं संभाषण झालं की मलाही आवश्यकता आहे, मग हा गाडी चोरून आणायचा, याला 5,000 विकायचा आणि हा पुढे या गाड्या विकणार होता। यामध्ये काही गाडी विकत आहे का, यापूर्वी बेचली आहे का, आणि एकूण किती गाडी रिकवर झाली, काही नंबर चेंज झाले आहे का, काय सांगते? हा नंबर तर गाड्यांचे चेंज झालेले आहेत, आपण ते इंजिन नंबर, चेसिस नंबर मधून मूळ नंबर काढलेले आहेत। अदरवाईज त्यांनी सगळ्या गाड्यांना छत्तीसगडचे फेक नंबर लावलेले होते
आणि या अगोदर त्यांनी अजून काही गाड्या विक्री वगैरे केल्या आहेत का तो तपासात आता आपण निष्पन्न करू, तपासाचा भाग आहे तो। नागपूर के राजभवन इलाके से चंदन की लकड़ियां चोरी कर काटोल में बेच रहे आरोपियों का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अपराध के प्रयुक्त सामग्री और कुल 1,15,000 रुपए मूल्य की चंदन की लकड़ियां जब्त कर ली है। नागपुर शहर के विभिन्न थानों से चंदन चोरी की घटनाएं जारी है। वही क्राइम डिस्क्लोजर स्क्वाड नंबर 2 के माध्यम से समांतरण जांच की जा रही है। क्राइम डिस्क्लोजर स्क्वाड नंबर 2 में कार्यरत अधिकारियों और नौकरशाहों को अंडरकवर से जानकारी मिली कि गांव गोनी तालुका काटोल में एक आरोपी चंदन की लकड़ी बेच रहा है। प्राप्त जानकारी के आधार पर छापेमारी के दौरान आरोपी के कब्जे से चोरी की चंदन की कोर बरामद हुई। शमीम पठान करीब 40 किलो चंदन की लकड़ी बेच रहा था। उससे पूछताछ की जाने पर उसने बताया कि उसके 4 आरोपी इसमें शामिल है। तलाशी के दौरान इन सभी से विस्तार से पूछताछ की गई। आरोपियों द्वारा नागपुर शहर के विभिन्न थानों में चंदन के पेड़ चोरी के कुल 6 मामले दर्ज किए गए हैं। आरोपी के कब्जे से अपराध में प्रयुक्त सामग्री 1,15,000 रुपए मूल्य की चंदन की लकड़ी बरामद की गई है और पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। नागपुर शहरामध्ये विविध ठिकाणी माहे मे 2022 तसेच जून 2022 ह्या दरम्यान एकूण 6 चंदनात झाडांच्या चोरीचे गुन्हे दाखल होते। त्यामध्ये अंबाझरी गार्डन, एक मुख्यमंत्री सचिवालयाचा परिसर, काही खाजगी ठिकाण, त्यानंतर राजभवन मॉईल ह्या कंपनीचा परिसर, प्रोविडन्स स्कूल अशा विविध ठिकाणी चंदनात झाडं चोरी गेलेले होते। ह्या चोरीचा तर आम्ही समांतर तपास केला। त्या दरम्यान आम्हाला काही आरोपींचा लिंक मिळाली। त्या लिंकवरून आम्ही काटोलजवळील एक डोंगरगाव आहे, डोंगरगाव नांदी ह्या ठिकाणी पहाटेला रेड करून आम्ही एकूण 5 लोकांना ताब्यात घेतले। त्यामध्ये 2 मायनर होत म्हणजे विधिसंघर्षित बालक आहेत आणि 3 मेजर आरोपी आहेत। ह्या आरोपींना आम्ही ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडून काही मुद्देमाल पण जप्त केलेला आहे। त्यापैकी आरोपींनी काही मुद्देमाल कन्नौज येथील एका व्यापाऱ्याला विकलेला आहे, त्याचं नावसुद्धा समोर आलेलं आहे आणि त्याला पण आम्हाला सदर गुन्ह्यात अटक करायची आहे। यामध्ये एकूण शुभम कानकोजी म्हणून एक आरोपी आहे आणि आदर्श राजपूत याच्यासोबत अजून 2 मायनर मुलं होते। हे रात्रीच्या वेळेस चोरी करायचे, त्यापैकी 2 आरोपी दिवसा सदरचे झाडांची रेखी करायचे, झाड कुठं आहे त्या ठिकाणी मोबाईलचे लोकेशन पाठवायचे आणि त्या लोकेशनवर परत हे रात्री येऊन मग त्या ठिकाणी चोरी करायचे। चोरलेल्या मालापैकी हे लोकल यांचं जयसिंग सेंग्या म्हणून एक व्यापारी आहे, त्याला हा सदरचा माल इथं विकायचे आणि याच्या मार्फत त्यांना समोर हे कन्नौजला बाकीचा माल विकायचे। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत। जरी तालुका में वनी पाटन बोरी मार्ग पर लिंगती में पुल का काम पिछले कई दिनों से चल रहा है। चूंकि पुल का निर्माण कार्य चल रहा था, वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में किनार पर गिट्टी डालकर एक छोटे पुल का निर्माण किया गया था। हालांकि जरी तालुका में मूसलाधार बारिश के कारण बना पुल बह गया है। हालांकि पुल न होने और पानी का बहाव ज़्यादा होने के कारण सड़क को बंद कर दिया गया है और आसपास के गाँव से संपर्क टूट गया है। अब इस पर लोक निर्माण विभाग और प्रशासन क्या विकल्प निकालती है, क्या व्यवस्थाएं की जाती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे को शिंदे सरकार में मंत्री पद दिया जाना चाहिए। इसके लिए महिलाओं ने बीड़ से मोटा देवी तक डिंडी निकाली। पाथरडी तालुका के भालगांव में महिलाओं की डिंडी आई, तब उन्होंने जोरदार नारेबाजी की और पंकजा मुंडे ओबीसी आधार के साथ महाराष्ट्र की नेता है, इसलिए पंकजा मुंडे को बीड़ जिले के विकास के आधार पर कैबिनेट में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसी मन्नत मोटा देवी के चरणों महिला मांगने वाली है। मुंडे हा लोकनेते आहेत, लोकनेते असल्यामुळे आत्तापर्यंत त्या कॅबिनेट मंत्री म्हणून त्यांनी मागच्या 5 वर्षापूर्वी पूर्ण कारभार सांभाळला। बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री होत्या, त्याचप्रमाणे आताही मंत्रिमंडळामध्ये त्यांना मंत्रीपद कॅबिनेट मंत्रीपद मिळावं या हा आमचा अट्टहास आहे। ही आमची देवीला साकड आहे आणि या साकड्यासाठी आम्ही बीडपासून ते मावठ्या देवीपर्यंत पायी दिंडी काढलेली आहे। खरं तर एका स्त्रीचा विश्वास, आत्मविश्वास हा सगळ्यात महत्त्वाचा असतो आणि त्याहीपेक्षा शक्ती हा जर पाठीशी असली आणि आमच्या सगळ्या ह्या महिला भगिनी बीड जिल्ह्यातून आलेल्या आहेत, यांची महिलांची जी शक्ती आहे ती शक्ती नक्कीच आम्हाला आमच्या भक्तीमध्ये त्याचं रूपांतर होईल आणि आमच्या माय बहिणीला, आमच्या माय माऊलीला पंकजाताई गोपीनाथराव मुंडे यांना नक्कीच मंत्रिपद मिळणार हा आमचा सार्थ विश्वास आहे। बीडवरनं ते माजलगाव बीड तिथून आलेले सर्व महिला आणि मोठ्याची देवीला पायी दिंडी आम्ही ताईच्या संदर्भात काढलेला आहे। ताई आमच्या ह्या मंत्रिपदावर येण्यासाठी ह्या सगळ्या महिलांना संकल्प केलेला आहे की पायी दिंडी आपल्याला काढायची आणि ती नक्कीच होईल, कारण वंचिताची आमची ताई आहे, बीड जिल्ह्याला न्याय मिळालाच पाहिजे, याच्यामुळं आम्ही ही सगळी संकल्प दिंडी काढलेली आहे। ताईसाहेबाला डावललेलं नाही आहे, पक्षश्रेष्ठीनं त्यांना एक जबाबदारी दिली होती आणि त्यामुळं आम्ही काही नाराज नाही आहेत। आम्हाला पक्ष नक्कीच त्यांना न्याय देईल हे आम्हाला माहिती आहे आणि त्यामुळं त्यांना मंत्रिपद हे मिळणारच आहे। ताई मुंडे जे आपले उपमुख्यमंत्री जे म्हणतात की ताई आमच्या नेते आहेत आणि त्यांना जे मध्य प्रदेशमध्ये पाठवलंय ते जे पद दिलंय ते ठीक आहे, पण ताईला, पंकजा ताई मुंडे ह्यांना आमच्या महाराष्ट्राची गरज आहे आणि ते आम्हाला आमच्या जिल्ह्या बीड जिल्ह्यातच पंकजाताई पाहिजेत आणि त्यांना मंत्रिपद हे आता मिळालंच पाहिजे। त्यांच्यावर खूप वेळोवेळी अन्याय होतो, ह्या वेळेला नाही व्हायला पाहिजे, नाहीतर आम्ही महिला। ताईनी भरपूर बीडमध्ये काम केलेलं आहे, सगळीकडेच केले, बीडमध्येच नाही सगळीकडेच केले ताईनी, आणि विकासाचं काम म्हणजे सगळ्या लोकांना मदत पण जे असते त्यांना सगळ्यांना मदत केली, शेतकऱ्याची केली, गरीबांची केली, सगळ्याला ताई एक आया बहिणीसारखं सगळ्यांना सांभाळून नेलं। ताई आमच्या खूप चांगल्या आहेत, आम्हाला त्यांची गरज आहे, त्याच्यामुळंच आम्ही इतकी पायी दिंडी काढलेली आहे। ताई आईला आम्ही जी मावठे आईला बोलणार आहेत की प्रार्थना करून दंडवट घेऊन की आमची ताई आता आम्हाला अशीच मिळाली पाहिजे, हीच आमची अपेक्षा आहे देवीपाशी। आमदार पंकजा मुंडे मंत्री असताना सर्व बीड जिल्ह्यामध्ये गोरगरिबाचे त्यांनी विमा असो कुठलंही असो त्या माध्यमातून त्यांनी कामं केलेली आहेत, म्हणून आज सर्व बीड जिल्ह्याला आणि महाराष्ट्राला वाटत आहे की आत्ताच मी TV वर काही दिवसापूर्वी बातमी ऐकली होती की बीड जिल्ह्याचा पॅटर्न हा महाराष्ट्रात राबावा, त्यासाठी त्यांना गोरगरिबाच्या विमा मिळाला होता, तो महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त विमा मिळाला होता आणि सर्वात जास्त कामं त्यांच्या हातून झालेले आहेत। गेले 2.5 वर्ष सत्ता ही राष्ट्रवादीची होती, राष्ट्रवादीच्या सत्तेमध्ये कुठलंही काहीही काम झालेलं नाही, म्हणून पंकजाताईला ह्या ओबीसीच्या नेत्या असल्यामुळं त्यांना मंत्री करण्यात यावा अशी सर्व महिलांची व भारतीय जनता पार्टीची मागणी आहे। कलमेश्वर तालुका में कुमारी ग्राम पंचायत के सरपंच शिल्पा मारुति केचे के पति मारुति केचे के हस्तक्षेप के कारण गांव में बहुत सारे विकास कार्य ठप्प हो गए और गांव के नागरिक भी हस्तक्षेप के कारण नाराज है। जब संदीप मोहोद उनके कार्यालय गए और उन्हें हस्तक्षेप करने के लिए मना किया, तब सरपंच के पति ने उन्हें पीटा। यह वीडियो वायरल हो रहा है। सरपंच का पति हर कामों में हस्तक्षेप कर कामों में ला रहे हैं। मैं ग्राम पंचायत में हस्तक्षेप करता हूं क्योंकि मेरी पत्नी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। उन्होंने सदस्यों को भी यह कहा है कि आप जो कर सकते हैं वो करें,
मैं हस्तक्षेप करना जारी रखूंगा। इसलिए जब ग्राम पंचायत सदस्य संदीप मोहोत बुधवार 6 जुलाई को 3 बजे गए और उन्हें कहा कि आप उनके काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इस वक्त सरपंच के पति ने उन्हें पीटा। ये वीडियो भी वायरल हो चुका है, जबकि उसके बाद ग्राम पंचायत सदस्यों ने सीधे पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई है। सदस्य संदीप मोहोत ने इनके खिलाफ नागपुर जिला परिषद प्रमुख के पास सरपंच को अयोग्य घोषित करने और उनके पति मारुति केचे पर ग्राम पंचायत कार्यालय में सरकारी काम में दखल देने की शिकायत दर्ज कराई है। मी ग्राम पंचायत सदस्य कुमारी संदीप मोहोत सरपंच शिल्पा मारुती केचे यांच्या हस्तक्षेपामुळे मारुती केचे यांच्या हस्तक्षेपामुळे गावातील विकास कामे खोळंबलेली आहे। गावामध्ये पावसाळा सुरू होऊन सुद्धा सरपंचाच्या पतीच्या हस्तक्षेपामुळे नाल्यासुद्धा साफसफाई करणे दुर्लभ झाले आहे। त्यामुळे नागरिकांच्या घरामध्ये कधी पाणी शिरेल त्यांचा नेम नाही। तसेच नाल्या तुडुंब भरल्यामुळे सर्वत्र दुर्गंधी पसरलेली आहे। तसेच सरपंच व पती गावामध्ये अनाधिकृत अतिक्रमण करण्यास गावातील काही विशिष्ट नागरिकांना प्रोत्साहित करत आहे। त्यामुळे मी ग्रामपंचायतमध्ये गेलो असता सरपंच पती मारुती केचे यांनी मला ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये मारहाण केली व जीवाशी मारण्याची धमकी दिली। माझ्या जीवाला काही कमी जास्त झाल्यास सरपंच शिल्पा केचे व पती जबाबदार असेल। मी मुख्याधिकारी जिल्हा परिषद नागपूर यांना सरपंच शिल्पा केचे अपात्र घोषित करावे व शासकीय कामात हस्तक्षेप करणाऱ्यांना त्यांच्या पतीवर गुन्हा दाखल करून कडक कारवाई करावी अशी मी मुख्याधिकाऱ्यांना दाद मागितली। वीकेबी न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। पुसद तालुका के खंडाला घाट में दोपहिया और नैनो कार की टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पता चला है कि खंडाला घाट में आज शाम करीब 7 बजे एक चार पहिया वाहन नैनो कार MH29AD1565 की हीरो स्प्लेंडर दोपहिया वाहन से आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे दोपहिया वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार की दुर्घटना में एक चार पहिया वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो वीकेबी न्यूज की दोपहर की खबरों में अब बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।